मैग्नीट्यूड अच्छा वट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करेंट एट वन पॉइंट फाइव मीटर दूरी भी दे रखा है आर इज कल टू वन पॉइंट फाइव मीटर बिलो द वायर अच्छा वायर के जस्ट नीचे कह रहा है तो ठीक है भाई सब थ्री डी में डायग्राम बनेगा और कुछ नहीं है इसमें और मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों पूछा जान के उन्होंने तो देखो थ्री डी डायग्राम बनाना पड़ेगा बच्चों का ऐसा मिसकॉन्सेप्ट होता है अगर आप इसमें ये वाला डायग्राम बना लोगे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ वाला ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ वाला बनाओगे तो डायरेक्शन बताने में आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा तो ये वाला डायग्राम ना बना के हम थ्री में बनाएंगे थ्री में डायग्राम कैसे बनाएंगे देखो हम बनाएंगे इस बार ऐसे करके लाइन खींचेंगे और ऐसे करके खींचेंगे हम बताएंगे कि ये हमारा ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ है क्योंकि देखो हॉर्जेंटल प्लेन होता है अगर आप ईस्ट वेस्ट ना असलियत तो में हम जानबूझ के टू डी में ना वो वाला डायग्राम प्लस वाला डायग्राम बनाया जाता है असलियत तो में देखा जाए तो ये ऐसे होगा और एक लाइन ऐसे होगा तो अपने पास एक ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ ऐसे करके चलता है तो हॉर्जेंटल प्लेन में होते हैं चारों तो वही डायग्राम बनाने के लिए बोला आपको अब मान लेते है हैं अपन इसको कह देते हैं कि ये हमारा ईस्ट है ये वेस्ट है ये नॉर्थ हो जाएगा और ये साउथ हो जाएगा थ्री में इमेजिन कर लेना अब जो करंट है वो किधर से किधर है ईस्ट टू तो वेस्ट है तो ईस्ट टू तो वेस्ट यानी कि यहाँ से एक वायर बना देते हैं ऐसे करके मैं गोला गोला दिखा देता हूँ ताकि वायर जैसा ये लगे ऐसा करके ऐसा करके ऐसा करके थिक वायर बना दिया हमने अब मान लो ये वायर है जिसमें करंट किधर की ओर फ्लो कर रहा है ईस्ट तो टू वेस्ट इधर की ओर फ्लो कर रहा है करंट नब्बे एमपियर दे रखा है अब वायर से जस्ट नीचे देखो बिलो द लाइन कह रहा है कितना 1.5 इस वायर से जस्ट 1.5 मीटर नीचे यहां पे 1.5 मीटर लिख देता हूं इस पॉइंट पी पे अब आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो फिर देखो स्ट्रेट वायर की बात कर रहे हैं स्ट्रेट वायर में मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है सीधे सीधे बचपन वायर नियोनाटा पॉइंट में फोर पाई आई अपन में आर इन टू साइन फाइव वन पता नहीं तीन क्वेश्चन कर चुके हैं हम इसी पे एनसीईआरटी में ही तीन क्वेश्चन है इसी पे अब तो फॉर्मला रट जाना चाहिए अब देखो ओवरहेड वायर है कहीं लॉन्ग वायर तो नहीं बोला लेकिन ओवरहेड वायर बहुत लंबे लंबे होते हैं तो हम इसको इन्फेनाइट वायर ही मानेंगे और के, के केस में फाइव वन फाइव टू इजगल टू नाइनटी होता है क्वेश्चन समझाया था मैंने आपको चलो बी इजगल टू अब वैल्यू पुट करना स्टार्ट करते हैं पहले पहले फॉर्मला तोड़ दो मिनट पॉन में फोर पाई आइए पॉन में आर का आर और साइन नाइन साइन नाइन फिर से टू हो जाएगा अब इसको डायरेक्टली पुट करेंगे देखो तो इसको काटा पिटा मत करो यार इसको की पावर माइनस सेवन डायरेक्टली पुट कर दो जल्दी सॉल्व हो जाएगा तो की पावर माइनस सेवन इंटू में करंट कितना दे रखा है नाइन पे एम पेयर लिख देंगे डिस्टेंस कितना मीटर में दे रखा है ऑलरेडी तो 1.5 लिख देंगे इंटू में टू ये वाला लिख दिया अब देखो इसको हटा दो इसको हटाए तो 900 हो जाएगा है ना अब इसको काट दो तीन से कटेगा थ्री फाइव जा कटेगा पहले तो फिफ्टीन हो गया ना पॉइंट हटते ही और थ्री थ्री जा तो तीन हो गया अब फाइव से काट दो तो छः पंचे तीस होता है भैया साठ साठ दो नहीं एक सौ बीस तो बी टू कितना आ गया एक सौ बीस इंटू टेन की पावर माइनस सेवन टेस्ला ये भी लिख सकते हो साइंटिफिक नोटेशन लिखा होगा एनसीआर ने तो वो आ जाएगा वन पॉइंट टू जीरो इंटू टेन की पावर माइनस फाइव लिखेंगे हम इसको जब पॉइंट लेफ्ट की ओर शिफ्ट करते हैं तो प्लस कर देते हैं इसमें दो तो ये तो हो गया मैग्नीट्यूड निकाल दिया हमने मैग्नीट्यूड कितना निकलेगा लिए वन पॉइंट टू जीरो इंटू एन पावर माइनस फाइव टेस्ट लेकिन डायरेक्शन भी पूछा है तो फिर से डायरेक्शन मैंने लास्ट वीडियो में समझाया था राइट हैंड का यूज करना है लेफ्ट हैंड मत पकड़ लेना राइट हैंड का यूज करना है चारों उंगलियों को और थंब को परपेंडिकुलर करना है और फिर करंट के डायरेक्शन में चारों उंगलियां रखना है करंट किधर से किधर था ईस्ट से वेस्ट की तरफ अब पॉइंट की तरफ पाम करना मैं इधर घूम जाता हूँ देखो करंट किधर था ईस्ट टू वेस्ट की तरफ पाम मतलब पॉइंट किधर है नीचे की तरफ तो पाम नीचे की तरफ करेंगे करंट के डायरेक्शन में चारों उंगलियां रखो पाम को हथेली को करंट के मतलब पॉइंट के डायरेक्शन में घुमाओ ये रहा करंट पॉइंट नीचे था तो हथेली को नीचे घुमाया अब क्रॉस कर दो ऐसे करके उंगलियां घुमाओ तो अंगूठा किधर आ रहा है इधर की तरफ तो ये हमें डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड देगा तो फिर से देखो करंट के डायरेक्शन में रखा पॉइंट नीचे की ओर था तो नीचे की ओर क्या पाम और घुमाया मैग्नेटिक फील्ड किधर आ रहा है इधर इधर मतलब कौन सा डायरेक्शन साउथ तो हम यहाँ पे लिखेंगे ये किधर होगा टूवर्ड्स साउथ होगा टूवर्ड्स साउथ तो भाई साहब आपको डायरेक्शन का दो तीन बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा इतनी जल्दी हो सकता है आप समझ भी गए होगे अच्छी बात है और क्वेश्चन आसान था बच्चों वाला क्वेश्चन था तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर फोर पॉइंट फाइव के साथ तब तक के लिए टाटा बाय बाय सी यू